रणबीर कपूर के भाई अरमान जैन एक केस को लेकर चर्चा में है। सोर्सेस के मुताबिक वो ईडी पेश होने पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी अरमान से टॉप सिक्योरिटी ग्रुप के 175 करोड़ रुपयों के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे आज पूछताछ कर रही है। ताज़ा खबरों की माने तो ईडी ने अरमान को दूसरी बार समन किया है। अभिनेता सैफ अली खान जल्द ही अपने चौथे बच्चे के पिता बनने वाले हैं। उनकी बहन सबा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लोगों से फोटो में दिख रहे बच्चे को पहचानने के लिए कहा। वहीं फैंस ने उनके इस सवाल को करीना कपूर के नए बच्चे से जोड़ दिया। उन्होंने पूछा, क्या फिर एक बेटे ने जन्म दिया है। एक यूजर ने बिग बी की पोती नव्या को ट्रोल करते हुए पूछा कि आपकी माँ क्या काम करती है। नव्या ने इस पर अब अपना रिएक्शन दिया है। यूजर के कमेंट पर नव्या ने जवाब दिया, वो एक ऑथर है, लेखक है, डिजाइनर है, पत्नी है और माँ है। अपने दमदार जवाब के बाद नव्या ने इसका स्क्रीनशॉट भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है, जिसके साथ उन्होंने लिखा, एक माँ और पत्नी होना फुल टाइम जॉब है, कृपया उन महिलाओं का अपमान ना करें जो होम मेकर है। टॉम क्रूज से अपने आप को कंपेयर करने पर ट्रोल होने के बाद अब कंगना ने दिया है अपना क्लैरिफिकेशन। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने कभी ये दावा नहीं किया, निक पॉवेल ने किया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्टंट निर्देशकों में से एक है। आप सभी को मेरी तरह से एक हग और कुछ बर्न ऑल भेज रही हूँ। लगभग 45 दिनों बाद मुंबई लौटी ऐश्वर्या राय बच्चन। बेटी आराध्या और पति अभिषेक बच्चन के साथ ऐश्वर्या मुंबई एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट। मीडिया को सामने देख रह गई शॉक। डालिए उनके रिएक्शन पर एक नजर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। हाल ही में रणवीर सिंह सुपरस्टार सैफ अली खान से मिले हैं। सैफ और रणवीर के साथ की फोटो सोशल मीडिया पर इन दिनों सुर्खियों में है। फैंस के मन में ये सवाल आ गया है कि आखिर ये दो बड़े स्टार्स एक साथ किस कारण से नजर आए हैं। कयास लगाया जा रहा है कि दोनों किसी फिल्म में तो काम नहीं करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फोटो में एक्टर्स को ध्यान से देखेंगे तो इनकी खुशी भी चेहरे पर देखने को मिलेगी। अंकिता लोखंडे ने पूल वाली अपनी कुछ हॉट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वो ब्लैक मोनोकिनी में दिख रही है, लेकिन सुशांत के फैंस ने उन्हें कर दिया बुरी तरह ट्रोल। डालिए कमेंट्स पर एक नजर। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा रिसेंटली अपनी एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने वायरल पार्टी वीडियो को अपने अंदाज में शूट कर किया शेयर। डालिए एक नजर। ये हम हैं, ये हमारे लोग हैं, शूट पे ये पार्टी हो रही है। पूरी दुनिया के साथ ही बॉलीवुड में भी कोरोना वायरस बहुत से लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। अब खबर है कि एक्टर रणवीर शौर्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा सोमवार को बिजनेसमैन वैभव रेखी संग शादी के बंधन में बंध गई। जल्द ही दिया मिर्जा की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ गई और देखते ही देखते ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो गई। लेकिन खास बात ये थी कि दिया की शादी कोई पुरुष पंडित नहीं बल्कि एक महिला पंडित करा रही थी।